नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन के इक्वेशंस को, जिनमें आज हम स्टडी करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर वाले इक्वेशंस, जहां पर आपको इनकम का रेशो और एक्सपेंडिचर का रेशो गिवन है, सेविंग्स गिवन है। तो ऐसे इक्वेशंस को कैसे डील करना है, तो ये आज हम सीखेंगे। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। चलिए कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप सवाल को ध्यान से देखें तो यहाँ पर दिया है कि ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है और उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। मतलब यहाँ पर आपको इनकम का भी रेशो गिवन है और एक्सपेंडिचर का भी रेशो गिवन है, और जो उनकी सेविंग्स है वो रुपीज़ में गिवन है कि ए और बी की जो बचत है वो कितनी है, 2600 और 1800 रुपये है। तो पूछा क्या है कि ए और बी की आय क्या होगी, अलग अलग आपको ए और बी की इनकम कैलकुलेट करनी है। तो कैसे इस सवाल को किया जाए, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आप ये बात समझो कि किसी भी व्यक्ति की जो इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है और जो सेविंग्स है, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, क्या गणितीय संबंध होगा, क्या मैथमेटिकल रिलेशन है। तो हमें ये पता है कि कोई व्यक्ति कितना कमाता है वो किसके बराबर, जितना उसने खर्च किया प्लस जितना उसने बचाया। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर कोई आदमी 3000 रुपये खर्च कर रहा है और 2000 रुपये अगर उसने बचा लिया, सेविंग्स उसकी 2000 है, तो इसका मतलब उसने कमाया कितना होगा, उसने 5000 रुपये कमाए होंगे। तो 5000 कमाकर ही तो व्यक्ति 3000 खर्च कर सकता है और 2000 रुपये बचा सकता है। तो मतलब इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स के बीच में क्या रिलेशन हो गया, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। मैं इसे तीन तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। एक तो आपके सामने है, मैं चाहूँ तो एक्सपेंडिचर निकाल सकता हूँ इनकम माइनस सेविंग्स, मैं चाहूँ तो सेविंग्स निकाल सकता हूँ इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करके। कुछ भी आप लिख सकते हैं, आंसर सभी से निकल के आएगा। पर इस सवाल को करने के लिए आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास रेशो किसका गिवन है, एक्सपेंडिचर का रेशो गिवन है। तो मैं क्या करूँगा, मैं रिलेशन ऐसा बनाऊँगा कि इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। मैं ये रिलेशन यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, सेविंग्स को इधर ला के माइनस कर दिया। तो जब आय में से बचत को घटाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, खर्च निकल के आ जाएगा। चलिए अब सवाल को आगे समझते हैं। हमसे कहा गया कि ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। इसका मतलब कि ए अगर 5x कमाता है तो बी कितना कमाता है, बी 3x कमाता है। ये ए और बी की इनकम का रेशो है। तो मैंने यहाँ पर एक नंबर एक्स में यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए और बी का क्या हो गया, 5x और 3x हो गया इनकम। इसके बाद इनकम में से क्या माइनस कर दिया जाए, अगर सेविंग्स को माइनस कर दिया जाए, आय में से अगर बचत को माइनस करें, जो कि कितना दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है भाई 2600 और बी का कितना दिया हुआ है 1800। तो इनकम में से सेविंग्स को माइनस किया तो क्या निकल के आ गया, ये सीधा सीधा खर्च निकल के आ गया, एक्सपेंडिचर। ये किसका है, ये ए का है और ये किसका है, ये बी का है। और दोनों का जो रेशो है, दोनों के एक्सपेंडिचर का जो रेशो है, ये भी हमें दिया गया। ये कितना दिया गया हमें, 9:5। ये हमने यहां पर एक इक्वेशन बनाई कि इनकम में से, दोनों की इनकम में से मैंने दोनों की सेविंग्स को माइनस किया, तो इनकम में से सेविंग्स को माइनस करने पे हमें दोनों का क्या मिल गया, ये ए का खर्च है और ये बी का खर्च है, और दोनों के खर्च का अनुपात हमें पता ही है, 9:5 दिया गया। तो हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलिए प्रयास करते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए। 25x माइनस 26 × 5 हो जाएगा 13000 इज इक्वल टू 9327x माइनस ये हो जाएगा 16200। साइड चेंज कीजिए, पक्षांतर कीजिए, तो 25 इधर आके माइनस हुआ तो बचा 2x, इस साइड जाके अरेंज हो जाएगा, 16 में से 13000 गए तो बचे 3200। इसका मतलब सीधा सीधा x मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, x निकल के आ रहा है 1600। तो ये x की वैल्यू निकल के आई। तो x की वैल्यू निकलने के बाद इनकम हमसे पूछी है, तो भाई a का कितना था, हमने माना था 5x और b का कितना है, b का है 3x। तो जब x की वैल्यू 1600 तो 5x क्या हो जाएगा और 3x क्या हो जाएगा, सीधा सीधा x की जगह 1600 रखिए, उत्तर क्या आ रहा है, 8000 और 4800। ये a और b की हमने क्या निकाल दी, इनकम निकाल दी। आप चाहें तो इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 8000 में से अगर उसने 2600 रुपये बचाए हैं और बी ने अगर 1800 बचाए हैं, तो इनकी सेविंग्स को माइनस करके जब एक्सपेंडिचर का मैं रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगा, 9:5 ही निकल के आएगा। तो क्या किया मैंने, मैंने सबसे पहले
रिलेशन पता किया कि इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स में क्या रिलेशन है, तो मैंने देखा कि आय में से बचत को घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, खर्च निकल के आएगा। तो वही मैंने किया कि आय में से बचत को घटाया तो दोनों के खर्च निकल के आ गए, जिनका अनुपात हमें पता था, बहुत आसानी से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक तरीका तो ये हुआ करने का। अगर मैं इसी कैलकुलेशन को जो मैं इक्वेशन में कर रहा हूँ, इसे अगर मैं किसी दूसरे फॉर्मेट में करूँ ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो, तो मैं ये कर सकता हूँ कि इनकम का हमें दिया हुआ है 5 और 3, देन उसके बाद हमें रेशो दिया हुआ है एक्सपेंडिचर का, क्या दिया हुआ है, 9:5, देन उसके बाद हमें सेविंग्स भी दी गई है, कितनी दी गई है, 2600 और 1800, ये तीन चीजें हमें यहां पर दी गई हैं। यही कैलकुलेशन मैं एक और तरीके से कर रहा हूं कि 5 यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने कुछ नहीं किया, पहले तो जो जो गिवन है वो डायरेक्टली मैंने लिख दिया। आप इस बात को याद रखिए कि अगर आपको इनकम कैलकुलेट करनी है तो इनकम का रेशियो ऊपर लिखो, अगर आपको खर्च रुपए में निकालना होता तो मैं खर्च के रेशियो को ऊपर लिखता, तो हमें इनकम निकालनी है तो इनकम का मैंने ऊपर लिखा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 27, देन इन्हें यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इनको मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 16200, और इसे यहां पर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा ये 13000। अब आप बात को समझिए कि रेशो में कितने का डिफरेंस है, 2:1, रुपए में कितने का डिफरेंस है, 3200, इसका मतलब 1:1 की वैल्यू सीधा सीधा क्या निकल के आ रही है, 1600 निकल के आ रही है। 1:1 मैंने निकाला, मैंने किया वही है जो यहां पर इक्वेशन में हो रहा था, पर समझने का तरीका अलग हो गया, जो निकालना है वो रेशो ऊपर लिखा, एक्सपेंडिचर लिखा, सेविंग्स लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 25, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 27, वही यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंस रेशो में 2 का है, रुपए में 3200 का, तो 1:1 की वैल्यू, और क्योंकि मुझे क्या निकालना है, इनकम निकालना, तो इनकम 5:3, तो बहुत ही आसानी से मैं बता सकता हूं कि 5:8000 हो जाएगा और 3:48000 क्या हो जाएगा, 4800 हो जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेशो और रुपए का डिफरेंस। अब आपको ज्यादा समझदारी ये नहीं कर देनी कि अगर 1:1600 है तो 9:5 से मेरे पास एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा, सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि अगर आप एक्सपेंडिचर निकालना ही चाह रहे हो तो एक्सपेंडिचर का रेशो ऊपर लिखो, या फिर अगर आपको एक्सपेंडिचर निकालना है तो इनकम आपको पता है, बचत आपको सवाल में दी गई है, तो आप माइनस करके क्या निकाल सकते हैं, ए और बी का खर्च निकाल सकते हैं, अगर आप निकालना चाहें तो रुपए में। तो ये भी करने का, हालांकि सेम मेथड है, सेम चीज़ है, कुछ भी अंतर नहीं है, बस समझने का तरीका क्या हो गया, अलग हो गया, इसी कैलकुलेशन को मैंने सिंप्लीफाई करके आपको बता दिया। चलिए आते हैं अगले सवाल के ऊपर। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको ए और बी की आय का अनुपात दिया हुआ है, इनकम का रेशो आपको दिया हुआ है कितना, 4:3, इसके बाद आपको इनकम के बाद आपको एक्सपेंडिचर का रेशो भी गिवन है, एक्सपेंडिचर का रेशो कितना गिवन है, 3:2, और सेविंग्स आपको रुपए में दी गई है 600 और 600, मतलब दोनों की जो बचत है वो क्या है, बराबर है 600 600। तो हमसे ए और बी की इनकम पूछी गई है, तो क्या करना है, जो अभी हमने सीखा वही करना है कि इनकम निकालना, तो इनकम का रेशो हम ऊपर लिखेंगे, तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1800 और ये कितना हो जाएगा 1200। तो रेशो में डिफरेंस कितने का भाई, 1:1, रुपए में डिफरेंस कितने का है, 600 का, 1:1 की वैल्यू आ गई, और 1:1 की वैल्यू अगर निकल के आ गई तो इनकम ए की कितनी थी, 4:1, मतलब 2400, और बी की कितनी थी, 3:3, मतलब कितना हो जाएगा 1800, ये ए और बी की आय निकल के आ गई। बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपको एक्सपेंडिचर्स निकालने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हालांकि मैं बता सकता हूं कि भाई इनकम 2400 में से 600 जो व्यक्ति बचा रहा है तो उसने 1800 खर्च किए और बी ने 1200। तो अगर दूसरे तरीके से निकालना चाहें तो मैंने क्या बताया कि अगर आप एक्सपेंडिचर निकालना चाहते हैं तो एक्सपेंडिचर के रेशो को ऊपर लिखिए, मतलब 3:2, इनकम के रेशो को नीचे लिख दो, 4:3, और उसके बाद सेविंग्स कितने हैं हमारे पास, 600 और 600, कीजिए मल्टीप्लाई, 9 कीजिए मल्टीप्लाई, 8 कीजिएगा, 2400, 1800। तो डिफरेंस कितना, 1:1, बराबर यहां पर भी कितना है, ये 600 ही है, स्केल फैक्टर सेम है जो पिछले केस में था। तो 1:1 की वैल्यू अगर 600 है तो एक्सपेंडिचर में 3 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:1 बराबर कितना हो जाएगा, 1800 भाई ए ने खर्च कर दिए, और बी ने 2:1, मतलब बी ने कितना कर दिया, 1200 बी ने खर्च कर दिया। तो ये सवाल का उत्तर आपका हो जाएगा। इतना करने के बाद जो एक चीज मैं आपको और समझाना चाहूंगा वो क्या है,
कि आपको ये करने की जरूरत थी ही नहीं इस सवाल में। क्यों नहीं थी? क्योंकि ए अगर 4 कमा रहा है, बी अगर 3 कमा रहा है, ये इनकम हमें दिया गया है। और मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो ए ने कितना 3 और बी ने कितना 2 खर्च कर दिया। भाई 4 कमाया और इसने 3 कमाया, और इसने 3 खर्च कर दिया, इसने 2 खर्च कर दिया। तो आप ये बात समझो कि कोई व्यक्ति 4 कमाकर अगर 3 खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना? 1। और ये 3 कमाकर अगर 2 खर्च कर रहा है तो ये भी कितना बचा रहा है? 1। तो क्या सही में सेविंग्स का रेशो 1:1 है क्या? क्या दोनों की सेविंग्स बराबर है? तो बिल्कुल दोनों की सेविंग्स क्या है यहाँ पर? बराबर। और अगर दोनों की सेविंग्स बराबर है तो आपका काम वहीं पर खत्म हो गया। आपको यहाँ पर ये देखना था कि जो आदमी 4 कमाकर 3 खर्च कर रहा है, 1 बचाया, और यहां पर भी तो कितना? 1 ही बचाया है। दोनों के सेविंग्स का रेशो वही निकल के आ रहा है जो है, तो मतलब 1:1 जो सेविंग्स है वो रुपए में कितने के बराबर? 600। अब आपका सवाल यहीं पे खत्म हो गया। आप जहां पर भी मल्टीप्लाई करोगे वो चीज निकल के आ जाएगी कि आपको इनकम निकालनी ए की, तो 4:1 कितना हो जाएगा? 2400। बी का निकालना है तो कितना हो जाएगा? 3:1 कितना हो जाएगा? 1800। और वैसे ही मैं 3 और 2 में मल्टीप्लाई करके क्या निकाल सकता हूँ? मैं एक्सपेंडिचर भी निकाल सकता हूँ। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। ये चीज़ और अच्छे से समझने के लिए मैं अगले क्वेश्चन में आपको इसे क्लियर करता हूँ। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में गिवन यह है कि ए और बी की आय का अनुपात 9:5 है, खर्च का अनुपात 2:1 है, और उनकी जो बचत है वो कितनी है? दोनों की 1000-1000 रुपए है। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। इनकम का रेशो है 9:5, ये इनकम है। देन एक्सपेंडिचर का रेशो आपको क्या गिवन है यहां पर? 2:1 दिया गया है, 2:1, और दोनों की सेविंग्स कितनी है? 1000 रुपए है। ये आपको सेविंग्स दिया है। तो ए और बी की अगर आपको इनकम निकालनी है तो एक तो पहले हम अपना वही मेथड अप्लाई करके देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। चलिए मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो जाएगा? 9। ये मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा? 10। इसको यहां मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? 2000। यहां मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 1000। तो रेशो का डिफरेंस सीधा सीधा मैं देख रहा हूं 1:1 है, रुपए का डिफरेंस कितना है? 1000 है। तो 1:1 अगर 1000 के बराबर है तो 9:5, ए का इनकम हो गया सीधा सीधा 9000 रुपए, और बी का इनकम कितना है भाई? 5:1 है, तो मतलब कितना हो गया? 5000 रुपए। हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा, ए और बी की इनकम निकल के आ गई। पर जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं इस सवाल से, वो बहुत ठंडे दिमाग से आप समझिए कि दोनों का जो बचत है वो क्या है? बराबर है। सेविंग्स दोनों का इक्वल है। इसका मतलब आप समझो कि जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं मान लूं कि ए अगर कोई व्यक्ति है, जैसे ए अगर 9000 रुपए कमा रहा है उदाहरण के तौर पर, बी अगर 5000 रुपए कमा रहा है, ये ए और बी की इनकम है। और अगर दोनों जो हैं बचत की अगर मैं बात करूं तो ए ने अगर, हालांकि यहां पर दिया ही है तो मैं वही सेविंग्स ले लेता हूं कि इसने कितना बचाया है? 1000 रुपए। इसने भी कितना बचाया है? 1000 रुपए। तो 1000-1000 रुपए की अगर मैं बचत यहां से घटाऊं तो मेरे को क्या पता पड़ जाएगा? दोनों का खर्च निकल के आ जाएगा कि इसका खर्च है 8000 और इसका खर्च कितना है? इसका खर्च हो जाएगा 4000। तो रेशो भी सेटिस्फाई हो रहा है। पर जो चीज समझनी वो क्या है कि अगर दोनों की बचत बराबर होती है, दोनों की सेविंग्स अगर बराबर होती है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां ए और बी की इनकम में अगर 4000 रुपए का अंतर है तो इनके खर्च में भी कितने का अंतर होगा? 4000 का अंतर होगा। बात को बहुत अच्छे से समझो आप कि दोनों की जो बचत है वो क्या है? बराबर है भाई। इसने भी 1000 बचाए, इसने भी 1000 बचाए, तो जितना इनकम में डिफरेंस था वही डिफरेंस किस में होगा? वही डिफरेंस एक्सपेंडिचर में भी होगा। अगर ए 4000 ज्यादा कमाता है तो वो खर्च भी कितना करेगा? 4000 ज्यादा ही करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ने बचाया तो क्या है? बराबर। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं इस क्वेश्चन को और भी जल्दी कर सकता हूं कि 9:5 है इनकम का रेशो, तो डिफरेंस कितना हुआ भाई? 4। और एक्सपेंडिचर हमें क्या भी दिया गया यहां पर? यहां पर एक्सपेंडिचर का रेशो 2:1 गिवन है, तो डिफरेंस कितना है? 1। अब क्योंकि दोनों की बचत क्या है? बराबर, तो मैं ये जानता हूं कि इनकम और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है, जो आय और खर्च का अंतर है, वो क्या होना चाहिए? बराबर। 1 को 4 बनाने का उपाय क्या है? सीधा सीधा गुणा 4 कर दो। तो मतलब जो 9 और 5 कमाते थे वो खर्च कितना कर रहे हैं? वो 8 और 4 खर्च कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं इस बात को कि जो 9 से
9 कमाकर 8 खर्च करता होगा वो 1 बचाएगा, और जो 5 कमाकर 4 खर्च करेगा वो भी कितना बचाएगा, 1 ही बचाएगा। तो जो सेविंग्स है वो रेशियो में 1:1 निकल के आ रही है। रुपए में आपको क्या गिवन है, 1000। अब मैं यहां से सीधा सीधा क्या निकाल सकता हूँ, इनकम भी निकाल सकता हूँ दोनों की, और एक्सपेंडिचर भी निकाल सकता हूँ दोनों का, क्योंकि मैंने स्केल फैक्टर बराबर कर दिया। 1:1000, तो इनकम 9:1, मतलब ए की हो गई आय 9000, बी की आय हो गई 5:5, मतलब कितनी हो जाएगी 5000। अगर खर्च पूछा जाए तो 8 और 4 मतलब 8000 हो गया ए का खर्च, और बी का खर्च कितना हो जाएगा, बी का खर्च 4000 हो जाएगा। तो एक ही बार में काम हो जाएगा। बस ये तभी आप अप्लाई कर सकते हो कि जब दोनों में क्या होता है कि दोनों का बराबर बराबर खर्च हो रहा है। अगर सेविंग्स दोनों की इक्वल है तो जो इनकम का डिफरेंस होगा वही एक्सपेंडिचर का डिफरेंस होगा। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैंने इनकम में 4 का डिफरेंस था, खर्च में तो 1 का ही अंतर था, तो मैंने गुणा 4 करके पहले से बराबर किया। फिर आप देखिए, 9 कमाकर 8 खर्च करेगा तो 1 बचाएगा, 5 कमाकर 4 खर्च करेगा तो ये भी 1 बचाएगा। तो जो सेविंग्स का रेशियो चाहिए था हमें वही मिल गया, और 1:1000 है तो 9:5 क्या हो गई इनकम, 8:4 क्या हो जाएंगी, दोनों के खर्च हो जाएंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आप देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ए और बी की आय का अनुपात कितना दिया गया आपको, इनकम का रेशियो दिया गया है 3:2, एक्सपेंडिचर का खर्च का अनुपात आपको क्या दिया गया है, 4:3, और जो बचत है इनकी आपको क्या दी गई है, सेविंग्स आपको दी गई है 1000 और ₹500। चलिए इनकम निकालनी है तो क्या किया जाएगा, वही पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड से देखते हैं। तो 9:1 कितना हो गया, 8:1, ये कितना हो जाएगा भाई 2000, और ये कितना हो जाएगा 3000। बहुत ही बढ़िया तरीका है, 1:1 का डिफरेंस है जो कि रुपए में कितने के बराबर है, 1000 के बराबर। तो जब 1:1 अगर 1000 है तो इनकम 3:2, मतलब 3:1 बराबर क्या हो जाएगा 3000, और 2:1 बराबर क्या हो जाएगा 2000। सवाल का उत्तर हो गया, पर जो मेरा अपना पर्सनल ट्रिक है वो कैसे अप्लाई होगा समझिएगा बात को, कि अगर 3:2 है ये इनकम है, और जो एक्सपेंडिचर है जो खर्च है वो कितना है 4:3 है, और इनकी बचत कितनी है 1000 और ₹500, ये बचत है। तो कोई व्यक्ति क्या 3 कमाकर 4 खर्च कर सकता है, रेशो की बात करें तो पॉसिबल ही नहीं है कि इनकम की वैल्यू एक्सपेंडिचर से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। कोई भी व्यक्ति 3 अगर कमा रहा है तो वो 4 तो खर्च कर ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इनकम की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ज्यादा ही होनी चाहिए। मतलब कि यहां पर जरूर कुछ ना कुछ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा, कि जितनी आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आप पहचानोगे कि क्या मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। और जैसे ही मैं अगर यहां पर 2 मल्टीप्लाई करूं तो आप बात को समझो कि जो इनकम का रेशियो 3:2 था वो कितना हो जाएगा, यहां पर 6:4 हो जाएगा, और जो एक्सपेंडिचर है जो कि 4:3 था वो सेम रहेगा। अब आप देखिए कि जो आदमी 6 कमाकर 4 खर्च कर रहा है तो वो कितना बचाता होगा, वो 2:1, और जो 4 कमाकर 3 खर्च करता है वो कितना बचाता होगा, 1:1। तो क्या सही में बचत का अनुपात 2:1 है, तो मैं देख पा रहा हूं बिल्कुल 2:1 ही है। तो सेविंग्स अगर 2:1 है तो बहुत ही आसानी से 1:1 आप क्या रख सकते हैं, 500। अगर मैं 2:1000 भी रखूंगा तो भी तो 1:1 क्या निकल के आएगा, 500 ही निकल के आएगा। और जब 1:500 तो आप देखिए इनकम क्या है, 6 और 4, तो जब 500 मैं गुणा करूंगा तो 6:1 क्या निकल के आ जाएगा, 3000। 4:1 क्या निकल के आ जाएगा भाई, 2000। और चाहूं तो मैं 4 और 3 मतलब खर्च भी निकाल सकता हूं, क्यों, क्योंकि 4:1 अगर खर्च निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2000, क्योंकि 1:1 मेरे पास 500 है। और वैसे ही 3:B का अगर मैं खर्च निकालना चाहूं तो कितना हो जाएगा, ये 1500 हो जाएगा, क्योंकि 1:500, तो 3:5 = 1500। ये सवाल के उत्तर हो गए। इनकम पूछ के तो बहुत ही आसानी से बता सकते हैं, पर स्केल फैक्टर बराबर करने के लिए कुछ ना कुछ मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ा। जितना ज्यादा अभ्यास होगा उतनी जल्दी आप पहचानेंगे, कभी इनकम में मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, हो सकता है एक्सपेंडिचर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ सके आपको।